टुडेज टॉपिक इज एपिजेनिन फॉर MSc फाइनल केमिस्ट्री इलेक्ट्रिक पेपर 8 केमिस्ट्री ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट्स यूनिट 4 और टॉपिक जो हमारा चैप्टर है वो है प्लांट पिगमेंट्स। उसमें एपिजेनिन है, इसका अगर हम डिफरेंट नेम्स देखें, ये एक तरह का फ्लेवोनॉइड है और इसका नेम देखें, IUPAC नेम क्या है इसका, तो 5-7 डाइहाइड्रोक्सी टू 4-हाइड्रोक्सीफिनाइल 4H 1 बेंजोपायरान 4-ON। अब ये अगर हम इसका 1, 2, 3, 4 तो इसका नोमेनक्लेचर जो है इस तरह से है, IUPAC नेम इसका 5-7 डाइहाइड्रोक्सी 2-4 हाइड्रोक्सी फेनाइल 4H1 बेंजोपायरान 4-ON। अदर नेम्स जो इसके हैं वो है एपिजेनिन, कैमोमाइल, एपिजेनॉल, एस्पिजेनिन, बर्सुलिन, 4-5-7 ट्राइहाइड्रोक्सी फ्लावोन, कॉमन नेम जो है ये फ्लावोन का ही जो है सो ट्राइहाइड्रोक्सी कंपाउंड है। प्रॉपर्टीज, केमिकल फार्मूला इसका C5H10O5 है, मोलर मास 270.24 किलोग्राम पर मोल है, येलो क्रस्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, पीले रंग का क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ज़्यादातर फ्लेवोनॉइड जो है पीले रंग का ही होता है। मेल्टिंग पॉइंट इसके जो है जो 345 से 350 डिग्री सी है और फ़ारेनहाइट और केल्विन में इस तरह जो है इसका वैल्यू है। यूवी विजिबल लैम्डा मैक्स अगर हम देखें तो 267, 296 और 336 नैनोमीटर पे इसके पीक्स आते हैं, जो कि मिथेनॉल सॉल्वेंट के अंदर जो है लिया गया है। अब ये जो डाटा जो दिया गया है मटेरियल्स का, वो सारे जो है सो इसके स्टैंडर्ड स्टेट में है, मतलब 25 डिग्री सेंटीग्रेड और 100 किलो पास्कल पर। एपिजेनिन जो है वो 4-5-7 ट्राइहाइड्रोक्सी फ्लावोन है, दैट इज़ फाउंड इन मेनी प्लांट्स, ये बहुत सारे प्लांट्स से पाया जाता है। इज ए नेचुरल प्रोडक्ट बिलोंगिंग टू फ्लावोन क्लास, एक तरह का नेचुरल प्रोडक्ट है जो कि फ्लावोन क्लास से बिलोंग करता है। दैट इज़ द ए ग्लाइकॉन ऑफ सेवरल नेचुरली अकरिंग ग्लाइकोसाइड्स, ये एक तरह का एक ग्लाइकॉन है जो कि सेवरल नेचुरली अकरिंग ग्लाइकोसाइड्स में पाया जाता है। इट इज़ ए येलो क्रिस्टलाइन सॉलिड दैट हैज़ बीन यूज टू डाई वूल, ये जो है वूल को डाई करने के काम में आता है। इसका जो नेचुरल सोर्स है या नेचुरल अकरेंस है वो कहाँ कहाँ है, तो ये बहुत सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में पाया जाता है, जैसे पार्सले है, सेलरी है, सेलरियाक है, कैमोमाइन, कैमोमाइल टी है, ये इसके जो मोस्ट कॉमन सोर्सेज हैं। कैमोमाइल प्लांट्स के फ्लावर्स में ये सबसे ज़्यादा एबंडेंट होता है, लगभग 68% जो टोटल फ्लेवोनॉइड्स इसमें पाए जाते हैं उसमें सिर्फ इसी में पाया जाता है, कैमोमाइल प्लांट्स में पाया जाता है। कैमोमाइल प्लांट्स में 68% टोटल फ्लेवोनॉइड्स के सिर्फ एपिजेनिन पाया जाता है। इसकी बायोसिंथेसिस या सिंथेसिस कैसे करेंगे, जो कैसे करते हैं, तो एपिजेनिन एक तरह से बायोसिंथेटिकली डिराइव्ड होता है फ्रॉम द जनरल फेनाइल प्रोपेनॉइड पाथवे, फेनाइल प्रोपेनॉइड पाथवे के थ्रू जो है सो इसका बायोसिंथेटिकली डिराइव किया जाता है। एंड द फ्लावोन सिंथेसिस पाथवे दूसरा है, फ्लावोन सिंथेसिस पाथवे के द्वारा, तो द फेनाइल प्रोपेनॉइड पाथवे स्टार्ट्स फ्रॉम द एरोमेटिक एमिनो एसिड्स एल फेनाइल एलानिन और एल टायरोसिन,
यह जो है सो एल एल फेलाइन एलालिन और एल टायरोसिन के द्वारा जो है सो जो एरोमेटिक एसिड्स है उसके थ्रू जो है सो स्टार्ट होता है फिनाइल डोपेनाइड पाथवे फ्रॉम द एरोमेटिक अमीनो एसिड्स एल फेलाइन फिनाइल एलानिन और एल टायरोसिन बोथ प्रोडक्ट्स ऑफ द सिकीमेट पाथवे एक सिकीमेट पाथवे है इसका ही प्रोडक्ट है व्हेन स्टार्टिंग फ्रॉम फिनाइल एल फिनाइल एलानिन फर्स्ट द एमिनो एसिड इज नॉन ऑक्सीडेटिवली डी एमिनेटेड बाई फिनाइल एलानिन अमोनिया लाइएज PAL टू मेक सिनामेट यहाँ जो है सिनामेट बन जाता है डीएमिनेशन के थ्रू जो है सो फॉलोड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ द पैरापोजिशन बाय सिनामेट 4 हाइड्रोक्सीलेज C4H टू प्रोड्यूस पी क्यूमरेट एज एल टायरोसिन इज ऑलरेडी ऑक्सीडाइज्ड एट द पैरापोजिशन इट एस्केप्स द दिस ऑक्सीडेशन एंड इज सिंपली डीएमिनेटेड बाय टायरोसिन अमोनिया लाइएज टू अराइव एट ए पी क्यूमरेट To complete the general phenyl propionate pathway, 4 cumarate COA ligase, 4 Cl substitutes coenzyme A COA at the carboxy group of P cumarate. Entering the flavone synthesis pathway, the type 3rd polyketide namase colchicone synthesis uses consecutive condensation of 3 equivalents of melanoyl coenzyme followed by aromatization to convert p cumaryl coa to chalcone isomerase chi then isomerizes the product to close the pyrone ring to make naringenin finally a flavone synthase enzyme oxidizes naringenin to epigenin two types of fns have previously been described. FNS first is a soluble enzyme that uses 2 oxyglutarate Fe2+ and ascorbate as cofactors and FNS second a membrane bound NADPH cytochrome P450 monooxygenase. तो इस तरह से जो हमारा reaction pathway इसके थ्रू हम इस फिगर के थ्रू हम दिखा सकते हैं कि फ्रॉम सिकीमेट पाथवे यहाँ पे जो है सो हमारा ये प्रोडक्ट बनता है इसमें एल फेनिलाइल एलानिन भी इसके थ्रू जो है सो PAL के थ्रू जो है सो हमारे पास सिनामेट बन जाता है फिर C4H C4H के थ्रू हमारे पास पी क्यूमरेट बनता है और इधर जो है सो हमारा ये जो कंपाउंड है इसमें TAL के थ्रू जो है TAL के थ्रू जो है सो हमारा पी क्यूमरेट दोनों तरह से बनता है सिकीमेट पाथवे और ये जो हमारा दोनों तरह से जो हमारा ये बनता है पी क्यूमरेट फिर 4Cl के थ्रू जो है कन्वर्ट हो जाता है पी कुमाराइल कोएंजाइम ए ये हमारा जो है कोएंजाइम बदल जाता है इसके बाद फिर जो है हमारा CHS के थ्रू जो है सो यह रिएक्ट करके मेलानाइल COA में के थ्रू जो है ये और CHS इन प्रेजेंस ऑफ दिस मेलानाइल कोएंजाइम यहाँ पे बनता है चालकोन बनता है
फिर फोर फिर CHI जिस जो कि एब्रिविएटेड फॉर्म है, इसके इस रिएक्शन के थ्रू जो है सो हमारे पहले नेरिंजेनिन बनता है, नेरिंजेनिन है, और नेरिंजेनिन के बाद जो है सो FNS के थ्रू जो है सो रिएक्ट करते हैं, तो इसके बाद जो है हमारा एपिजेनिन बन जाता है जो है। तो ये जो है सो डिफरेंट स्टेप्स है, और ये सब का FNS है, इसी तरह से CHI है, इसी तरह से CHS है, 4CL है, TAL है, C4H है, PAL है, ये सब का जो है सो यहाँ पे एब्रिविएटेड फॉर्म जो सो दे रखा है। जैसे हम अगर पहला देखते हैं PAL का क्या मतलब है, तो PAL है फिनाइल एलानिन अमोनिया लाइएज PAL है। इसी तरह से जो है सो C4H क्या है, तो C4H है हमारा शिनामेट 4 हाइड्रोक्सीजिलेज, शिनामेट 4 हाइड्रोक्सीलेज ये है। इसी तरह से TAL क्या है, ये है टायरोसिन अमोनिया लाइएज। इसी तरह से 4CL क्या है, 4 कुमारेट COA लाइगेज। इसी तरह से CHS क्या है, चालकोन सिंथेस, और ये पॉलीकेटाइड सिंथेज एंजाइम चालकोन सिंथेज है। इसी तरह से CHI क्या है, चालकोन आइसोमेरेज है, और इसी तरह से जो है FNS क्या है, तो ये फ्लावोनोन सिंथेज है, फ्लावोन सिंथेसिस है। तो इस तरह से जो है सो ये फाइनली जो है सो FNS जो है सो एंजाइम ऑक्सीडाइजेस नेरिंजेनिन टू एपिजेनिन, FNS एंजाइम जो ऑक्सीडाइजेस टू एपिजेनिन। तो टू टाइप्स ऑफ FNS, फ्लावोन सिंथेज एंजाइम जो है सो हैव बीन प्रीवियसली डिस्क्राइब्ड। FNS first is soluble in that uses two oxyglutarate Fe2+ and ascorbate as cofactors, and FNS second a membrane bound dependent cytochrome P450 monooxygenase। तो ये है हमारा जो सिंथेटिक पाथवे। तो आज हमने देखा कि एपिजेनिन क्या है, एक तरह का फ्लेवोनॉइड है, फ्लावोन क्लास का जो है सो फ्लेवोनॉइड है ये, और इसके जो नोमेनक्लेचर हैं वो ये है 5-7 डाइहाइड्रोक्सी 2-4 हाइड्रोक्सीफिनाइल 4H1 बेंजो पायरान 4-ON, और इसका डिफरेंट नेम्स है एपिजेनिन कैमोमाइल एपिजेनोल एस्पिजेनिन रेजिमेन 4-5-7 ट्राइहाइड्रोक्सीफिनोल फ्लावोन। केमिकल फार्मूला दे रखा है, मोलर मास है, अपीयरेंस है, येलो क्रिस्टल मेल्टिंग पॉइंट है, यू विजिबल है, इसके डाटा जो है, और बहुत सारे प्लांट्स में पाया जाता है ये जो। तो इस तरह से इसके नेचुरल सोर्सेज क्या हैं, पार्सले सेलरी सेलरिया केमोमाइल टी सबसे मोस्ट कॉमन सोर्स है, और केमोमाइल प्लांट्स में जो है ये सबसे ज़्यादा 68% ऑफ टोटल फ्लेवोनॉइड्स पाया जाता है, और इसका जो बायोसिंथेसिस है वो हम इस तरीके से कर रहे हैं आ रहे हैं। जो है ये हमारा सिंथेटिक पाथवे है, इसमें छोटे छोटे जो है एब्रिविएटेड फॉर्म में ये सब लिख दिया गया है। ये है इसको, इसके पहले जो है यहाँ लैंग्वेज में जो लिखा है उसके बारे में यहाँ पे दे रखा है। CHS क्या है, ये है CHS, CHI, FNS, TAL, 4CL, ये सब शॉर्ट फॉर्म है। तो इस तरीके से इसको ध्यान रखना है। तो आज हमने जो एपिजेनिन फ्लेवोनॉइड का जनरल इंट्रोडक्शन
स्ट्रक्चर फार्मूला, कुछ सम प्रॉपर्टीज, नेचुरल अकरेंस और बायोसिंथेसिस या सिंथेटिक पाथवे के थ्रू कैसे इसको बनाते हैं, सिंथेसाइज करते हैं, उसके बारे में मैंने देखा। थैंक यू, आज इतना ही डिस्कस किया, अब आगे अगले चैप्टर में भी सुनता है।